हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल 2024 14 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ जीके जीएस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज का आपका सीजीएल का जो एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो गया, तो आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में और जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि अपलोड कर दिया गया है सभी शिफ्टों का, अभी तक भी जितने भी शिफ्ट हुए हैं 9 सितंबर से अभी तक, तो आप सभी शिफ्टों का अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ से रीड आउट आप कर सकते हैं, अन्यथा वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द टू ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो आपका इंडिया बांग्लादेश जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु इज कंसीडर द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो आपका अटॉर्नी जनरल जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द अटॉर्नी जनरल इज कंसीडर द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अटॉर्नी जनरल। द अटॉर्नी जनरल इज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट एंड द अटॉर्नी जनरल मस्ट क्वालिफाइड टू द सर्व एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वहीं बात कर लें आपका, द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट मे रिमूव द अटॉर्नी जनरल फ्रॉम हिज ऑफिस। द अटॉर्नी जनरल रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एंड सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ देयर ज्वाइंट सीटिंग एंड ऑफ एनी कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नॉमिनेटेड एज अ मेंबर बट विदाउट द राइट टू वोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल स्टेट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपका आर्टिकल 54 जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 54 स्टेट अबाउट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर लें, द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाई द मेंबर ऑफ एन इलेक्ट्रल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, वेयर इज टडोबा नेशनल पार्क सिचुएटेड। तो महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर हरिना मनास्थली नेशनल पार्क जो कि आपका तेलंगाना में है। सिम्बलवरा नेशनल पार्क जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में है। मुकुर्ति नेशनल पार्क जो कि आपका तमिलनाडु में, ये भी जो कि आपका इम्पोर्टेड नेशनल पार्क्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, बाईसाइकिल किक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो आपका फुटबॉल जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाईसाइकिल किक इज द टेक्निक रिलेटेड टू द फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, महेंद्र वर्मन फर्स्ट बिलोंग टू विच डायनेस्टी डेट वाज डिफीटेड बाई पुलकेशिन सेकेंड। तो आपका पल्लव डायनेस्टी जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द पल्लव किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट वॉज डिफीटेड बाई पुलकेशिन सेकेंड। द बैटल ऑफ पुल्लू वॉज बैटल फाउट अराउंड 618-19 बिटवीन द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकेंड एंड द पल्लव किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट इन द टाउन ऑफ पुल्लू और पोलिलियोर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, हु वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली। तो रजिया सुल्तान जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट फीमेल सुल्तनेट ऑफ इंडिया एंड रूल दिल्ली फ्रॉम लेट 1536 टू लेट 1236 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा पार्टी। तो आपका सहानंद सरस्वती जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द ऑल इंडिया किसान सभा वाज अ फार्मर मूवमेंट फॉर्म बाय द सहजानंद सरस्वती इन 1936 टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ फार्मर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। तो उल्लूर लेक जो कि राइट आंसर हो जाएगा। लोकेटेड इन द बंदीपोरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उल्लूर लेक इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ झेलम रिवर बेसिन एंड कवर्स एन एरिया अबाउट 200 स्क्वायर किलोमीटर। चिल्का लेक की बात कर ली, इज द लार्जेस्ट नॉन फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इट इज लोकेटेड इन ओडिशा।
यहाँ और भी लेक्स हैं, तो आप इन्हें वीडियो को पॉज करके रीड आउट कर लीजिएगा, बाकी PDF लेकर भी पढ़ सकते हैं। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, विच अवार्ड डिड अमजद अली खान रिसीव इन 2001? तो आपका पद्म विभूषण, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अमजद अली खान इज अ फेमस सरोद प्लेयर हु वाज अवार्डेड पद्म भूषण इन द फील्ड ऑफ आर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1991। ही इज फ्रॉम दिल्ली। पद्मश्री इन 1975 में मिला था। संगीत नाट्य अकेडमी अवार्ड जो कि 1989 में मिला था। तानसेन सम्मान जो कि 1989 में मिला था। पद्म भूषण जो कि 1991 में मिला था। और पद्म विभूषण जो कि क्वेश्चन में आपका बना है वो आपका 2001 में मिला था आपको अमजद अली खान को। चलिए नेक्स्ट है आपका, विच NW इज ऑन द महानदी डेल्टा? तो आपका नेशनल वाटर वे 5 जो कि है, तो नेशनल वाटर वे 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज कर्ड ऑफ मिल्क? तो आपका केमिकल चेंज है, तो केमिकल चेंज जो कि राइट आंसर हो जाएगा। केमिकल चेंज की बात कर ले, ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शन ओरिजिनल सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट विच आर सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। वहीं आपका फिजिकल चेंज में क्या होता है, तो ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज सब्सटेंस अंडरगो चेंजेस इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय अ हरविंगर ऑफ द असामीज न्यू ईयर एंड द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग? तो बोहाग व्यू जो कि मनाया जाता है, तो बोहाग व्यू राइट आंसर हो जाएगा। बोहाग व्यू ऑल्सो नोन एज रोंगाली व्यू इज अ जॉयस फेस्टिवल डेट मार्क द बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग एंड द असामीज न्यू ईयर। तो ये रहे जो कि आपका आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है, बाकी और भी एक दो प्रश्न छूट गए होंगे तो हम उन्हें PDF में शामिल करके आपको PDF इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। इसका PDF जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में जो कि आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। बाकी जो लोग भी टॉपिक वाइज PDF जो कि आपका बाय करना चाहते हैं, जो कि आपका SSC CGL CHSL CPO स्टेनो MTS सभी और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप बाय कर सकते हैं। टोटल आपका 45 टॉपिक्स जो कि ऐड किया जाएगा, अभी तक 40 टॉपिक जो कि ऐड कर दिया गया। और बाय करने के लिए आप व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।